तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है हेज लॉ थर्मोडाइनमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेज लॉ चलो एक एक करके समझते हैं थेज लॉ क्या है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेज लॉ हैज़ लॉ ये कहता है कि, कि किसी रिएक्शन को आप एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो जो एंथेल्पी चेंज रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो आइस से डायरेक्ट गैस बना दिया सब्लिमेशन इसकी एंथेल्पी हो गई डेल्टा एच वन ये हमने कर दी रिएक्शन एक स्टेप में या तो आप उसे दो स्टेप में कर दो वन एंड टू इसको आप मान लो डेल्टा एच टू इसको मान लो डेल्टा एच थ्री तो आप रिएक्शन को एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो जो टोटल एंथैल्पी चेंज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा मतलब तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री तो इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा The enthalpy change in a reaction remains constant remains constant whether it is carried out out in single or multiple steps. ठीक है तो हेजलॉ की डेफिनेशन तो काफी आसान है कि भाई रिएक्शन को एक स्टेप में करो दो स्टेप में करो तीन स्टेप में करो मल्टीपल स्टेप में करो जो एंथेल्पी चेंज है वो कॉन्स्टेंट रहेगा अब देखो इस पर नोमेरिकल किस तरह के आते हैं अब जैसे देखो ये एनसीआरटी का क्वेश्चन है और ये हेज लॉ पर बेस्ड है अब यहां पर क्या है कि आपको तीन इक्वेशन दे रखी हैं ये तीन और पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है और ये तीन इक्वेशन और तीनों की एंथैल्पी दे रखी ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से समझना है बहुत इजी अब जैसे उसने क्या बोला उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एक मोल बने और रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने ध्यान से सुनो एक मोल बने और रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से बने उसको हम कहते हैं एनथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है जैसे कार्बन की स्टैंडर्ड क्या है कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है सॉलिड कार्बन सॉलिड वैसी ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी ओ नाइट्रोजन की हो जाएगी एन तो यहां पर एक मोल बने और रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड स्टेट से बने तो यहां पर क्या बनने वाला है मिथेनॉल ये रहा भाई मीथेनॉल मीथेनॉल बनने वाला है अब मीथेनॉल मीथेनॉल किससे बना कार्बन से कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो गई सॉलिड ठीक वैसे ही हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी गैस और वहीं ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड गैस हो जाएगी ओ टू अब यहां पर हाइड्रोजन कितने थ्री प्लस वन फोर तो यहां हमने ले लिया ट्वाइस और ऑक्सीजन क्या है यहां पर सिंगल ऑक्सीजन है तो ये हो गया हाफ ओ टू ठीक है तो अब यहां पर ये हमने रिएक्शन बना ली अब इन तीनों रिएक्शन में ऐसा क्या करूं कि ये फाइनल इक्वेशन आ जाए अब देखो यहां पर मीथेनॉल है और मीथेनॉल में कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ये रही सॉलिड हाइड्रोजन की गैस और ऑक्सीजन की गैस ये तीनों की स्टैंडर्ड स्टेट है और इथेनॉल इथेनॉल क्या बनेगा सॉरी मिथेनॉल मिथेनॉल बनेगा लिक्विड अब देखो इन तीनों रिएक्शन के साथ कुछ ऐसा करो कि ये रिएक्शन आ जाए अब देखो ये जो फाइनल रिएक्शन है इस फाइनल रिएक्शन में कहीं भी H2O नहीं है कहीं भी अब देखो कहीं भी H2O नहीं है कहीं भी CO2 नहीं है अब यहां पर हम देखें तो देखो हमें क्या करना है H2O और CO2 हटाना है और ये जो मीथेनॉल है ना इसको हमें राइट में लेके आना है हमें ये राइट में चाहिए तो फिर एक काम करो इसको सबसे पहले आप इसको माइनस करो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस ये माइनस माइनस ऐसा हो जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ये ट्वाइस एच टू ओ है यहाँ एच टू ओ है अब क्या करें इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो ये ट्वाइस ये ट्वाइस ये ट्वाइस और ये भी ट्वाइस हो जाएगा अरे जो आप रिएक्शन से मल्टीप्लाई करोगे उसी से एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना है ये देखो यहां पर एंथैल्पी को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब यहां पर ये सीओ टू सीओ टू कैंसिल ये वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा और फिर रिएक्शन क्या आ जाएगी देखो ये कार्बन सॉलिड ये आ गया ट्वाइस एच टू ये आ गया फिर ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन में अगर हम बात करें ये 2 by 2 तो ये हो जाएगा O2 ये हो गया O2 तो ये क्या हो गया 2O2 2O2 minus 3 by 2O2 तो क्या आ जाएगा half O2 तो ये क्या हो जाएगा half O2 तो C plus 2H2 plus half O2 gives methanol तो अब क्या करना है यहाँ पर जैसा हमने रिएक्शन के साथ किया है वैसे ही उनकी enthalpy के साथ कर दो अब देखो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से कर दिया अब हमें क्या करना है ये एंथेल्पी और ये एंथेल्पी को ऐड करना है और इससे माइनस करना है इन दो रिएक्शन को हमने क्या किया है ऐड किया है तो इनकी एंथेल्पी को भी ऐड करना है और इससे माइनस करना है ठीक है तो माइनस टू एटी सिक्स इंटू टू प्लस माइनस थ्री नाइनटी थ्री इन दोनों एंथेल्पी को ऐड करना है और माइनस माइनस सेवन ट्वेंटी सिक्स तो यहां पर यह देखो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया अब ये फाइनल एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका आ जाएगा मीथेनॉल का ये मीथेनॉल का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ठीक है अब मल्टीप्लाई कर दो सिक्स टू जा ट्वेल्व एट टू जान सेवनटीन टू टू जाोर माइनस फाइव सेवनटी टू माइनस थ्री थ्री दोनों को ऐड करो माइनस फाइव सेवेंटी टू माइनस थ्री नाइन्टी थ्री थ्री टू फाइव नाइन सेवन सिक्सटीन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस नाइन या आ जाएगा माइनस नाइन सिक्स फाइव और माइनस माइनस प्लस सेवन टू सिक्स ठीक है अब इसको माइनस करते हैं अपन माइनस नाइन सिक्स फाइव प्लस सेवन टू सेवन टू सिक्स अब देखो ये क्या हो जाएगा 15 और छ पाँच चार नौ हो गया ये हो गया फाइव ये थ्री सेवन एट नाइन तो ये हो जाएगा माइनस टू थर्टी नाइन किलोजूल पर मोल तो ये एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल आ गया तो भाई हमने जो रिएक्शन के साथ किया वही एंथेल्पी के साथ किया और फाइनल इक्वेशन बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना हमें एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल चाहिए था तो मीथेनॉल हमें राइट में चाहिए था इसलिए मैंने पहली इक्वेशन को माइनस किया ताकि ये जो माइनस है राइट में आके प्लस हो जाए सेकेंड बात इस ये जो फाइनल इक्वेशन है इसमें कहीं भी वाटर और सी टू हमें नहीं दिख रहा है तो वाटर सी टू हमें हटाना था तो वाटर सी टू इस तरीके से हमने उसको हटा दिया ठीक है अगला क्वेश्चन कैलकुलेट एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यहां से अब हमें मीथेन बनाना करना हमें वही है अब मीथेन देखो राइट हैंड साइड पे क्या नहीं है राइट हैंड साइड पे नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा कहां है मीथेन ये है। तो देखो डेफिनेटली इसको माइनस करना पड़ेगा ये बात क्लियर हो गई क्योंकि मीथेन मुझे राइट right हैंड चाहिए हमें राइट हैंड साइड पे एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है तो यहां मीथेन बनना चाहिए अब मीथेन कैसे बनेगा कार्बन प्लस टाइस एच टू से तो मीथेन बन जाएगा ठीक है तो अब इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं वाटर एंड सी टू दोनों नहीं है अब यहां पर हम बात करें सी टू की और यहां करें वाटर की तो हमें दोनों नहीं चाहिए तो इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो टू टू एंड टू एंड दिस इज इंटू टू यहां टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब करना क्या है आप इन दोनों को ऐड कर दो और इससे माइनस कर दो अब देखो ये टू का मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये माइनस और ये प्लस टू एच टू गायब हो जाए ये माइनस और प्लस CO2 टू गायब हो जाए अब क्या करा हमने ये कार्बन आ गया ट्वाइस एच टू ये लिख दिया फिर उसके बाद ये देखो ये ओ टू और ये फिर ओ टू तो ये ट्वाइस ओ टू और ये ट्वाइस ओ टू कैंसिल हो जाएगा ये दोनों O2 गायब हो गए अब ये सी एच फोर कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा तो हमने क्या किया इस रिएक्शन को देखो टू से मल्टीप्लाई किया तो टू तो मैंने ऑलरेडी यहां मल्टीप्लाई करके रख दिया मैंने इन दोनों को ऐड किया इससे माइनस किया बस ये करना है अब देखो माइनस थ्री थ्री इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट एट इन टू टू एट टूजाटीन फाइव जा टेन इलेवन एट टूजाटीन ये सेवनटीन टू टू जाोर और ये फाइव तो ये 517.6 तो माइनस फाइव सेवन ये ऐसा आ गया है ना अब इन दोनों को हमने क्या किया ऐड करा अब ऐड करने के बाद इसको माइनस करेंगे माइनस एट पॉइंट थ्री अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस चलो ये माइनस फाइव सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स और माइनस थ्री थ्री पॉइंट फाइव छः पाँच ग्यारह तीन चार पाँच नौ सात छः पाँच छः सात आठ नौ माइनस नाइन सिक्सटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटी फाइव पॉइंट वन माइनस माइनस प्लस एट नाइन्टी पॉइंट थ्री ठीक है तो अब एक काम करो नाइन सिक्सटी फाइव और एट नाइन्टी इसको माइनस करना है तो आएगा आंसर माइनस में ही और ये आंसर आ जाएगा इसको रोठ सत्तर तो और यहां आ जाएगा माइनस किलो जूल पर मोल तो ये आ जाएगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी भाई ये कैसे निकाला चलो तो अपने को करना क्या है देखो फाइनल इक्वेशन बनानी है और इन तीन इक्वेशन के साथ हम जो कर रहे हैं वही हमें इनकी एंथेलपी के साथ भी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है सेम वही करना है कैलकुलेट द एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमें क्या चाहिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए और वो राइट right में चाहिए तो एक काम करो इसको माइनस करो माइनस करो माइनस करो ये हो गया कैंसिल ठीक है अब देखो C प्लस ओ टू माइनस हाफ ओ टू क्या आ जाएगा हाफ ओ टू CO सी ओ ये हमारी वो इक्वेशन आ गई कि एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ सी प्लस हाफ ओ टिफ्ट सी ओ हमने क्या किया इसको इससे माइनस किया वही एंथेल्पी के साथ करो माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव माइनस माइनस टू एटी थ्री पॉइंट जीरो और आंसर आएगा किलो जूल में अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव माइनस माइनस प्लस टू एटी थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट ये जीरो वन और ये हो जाएगा वन तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन वन जीरो पॉइंट फाइव पर मोल तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ये एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैलकुलेट द एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केन शुगर हमें यहां पर की चाहिए। मतलब हमें क्या बनाना है हमें तो केन शुगर बनाना है केन शुगर है क्या सुक्रोज सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ एलेवन ये हमें कहाँ चाहिए ये हमें चाहिए राइट में ये दिया लेफ्ट में तो एक काम करो सबसे पहले इसको माइनस करो माइनस करो माइनस करो, माँणस करो माइनस करो हमें ये कहाँ चाहिए राइट हैंड साइड पे अब देखो ये हमें चाहिए C12 H22 O11 C12 H22 O11 ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे अब देखो यहाँ पर 11 H2O है हमें H2O नहीं चाहिए हमें तो क्या चाहिए कार्बन चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट फिर हाइड्रोजन चाहिए फिर ऑक्सीजन चाहिए ये सब स्टैंडर्ड स्टेट होती हैं तो यहां पर ये सारी स्टैंडर्ड स्टेट यूज करके हम इसको बनाएंगे अब देखो यहां पर ये ट्वेल्व है यहां पर ट्वेल्व है कहीं सीओ टू दिख रहा है क्या नहीं इस पूरी रिएक्शन में कहीं सीओ टू एंड वाटर नहीं है तो सीओ टू हमें हटाना है तो यहां पर इलेवन है तो एक काम करो पूरी रिएक्शन को इलेवन से मल्टीप्लाई करो ये देखो इसको भी इलेवन से करो अब यहां पर ट्वेल्व है ट्वेल्व सीओ टू इसको ट्वेल्व से करो इसको ट्वेल्व से करो और इसको ट्वेल्व से करो और इसको भी किससे कर दो ट्वेल्व से अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल और ये माइनस ये प्लस कैंसिल और फाइनली क्वेश्चन देखो वही आ रही है ये सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू इलेवन वहां पहुंच गया ये ट्वेल्व का, कार्बन ये देखो ट्वेल्व कार्बन इधर आ गया इलेवन हाइड्रोजन यहां आ गया अब यहां पर इलेवन बाई इलेवन बाई टू ऑक्सीजन और ट्वेल्व ऑक्सीजन इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इलेवन बाई टू ऑक्सीजन हां ठीक है आ जाएगा एच ट्वेल्व ओ ट्वेंटी टू ठीक है ना ये ट्वेल्व ऑक्सीजन से ट्वेल्व ऑक्सीजन कैंसिल आ जाएगा फिर ये इलेवन बाई टू ओ टू ठीक है तो इलेवन बाई टू ओ टू इलेवन बाई टू ओ टू ये ओ इलेवन ही है देख लो ये टू से टू कैंसिल 11 ऑक्सीजन बचेगा ठीक है तो हमारी इक्वेशन आ गई तो जो एंथेल्पी के साथ किया है कर देते हैं हमने इन दोनों को ऐड किया इससे माइनस किया है तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं थ्री वन फोर सिक्स ये माइनस में आ जाएगा ठीक है इसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थ्री नाइनटी थ्री इंटू ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स नाइन टू जा एटीन थ्री टू जा सिक्स सेवन वन थ्री जा वन नाइन जा वन थ्री जा ये आ जाएगा यहाँ लिख देता हूँ सिक्स एट थ्री ट्वेल्व नाइन टेन और सेवनटीन और ये फोर फोर सेवन टू सिक्स ये माइनस में आ जाएगा तो देखो ये माइनस में माइनस फोर सेवन टू सिक्स तो देखो ये जो एंथैल्पी है और ये जो एंथैल्पी है दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और उससे माइनस करेंगे चलो सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं माइनस माइनस थ्री वन फोर सिक्स और माइनस फोर सेवन टू सिक्स 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 ट्वेल्व फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन वन एट फोर थ्री सेवन माइनस सेवन एट सेवन टू तो माइनस सेवन एट सेवन टू ये किसकी एंथेल्पी हो गई ये इन दोनों को ऐड करने के बाद की एंथेल्पी हो गई माइनस में आ गई हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया था ये दोनों एंथेल्पी को ऐड कर दिया अब इससे माइनस करते हैं माइनस माइनस फाइव सिक्स फोर फोर तो ये हो जाएगा प्लस फाइव सिक्स फोर फोर तो यहां पर इसको माइनस सेवन एट सेवन टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फाइव सिक्स फोर फोर इसको थोड़ा सा अप्रोक्स ले लेते हैं टू ले लो ठीक है ये ज़ीरो आ गया फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री ये टू और ये टू माइनस टू टू, टू थ्री ज़ीरो टू टू, टू थ्री जीरो ये टू, टू 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 एट आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस टू 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 एंड एट किलोजूल पर मोल ठीक है तो ये बात समझ में आ गई होगी माइनस टू, टू 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 एट तो ये सुक्रोज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हमने वही करा रिएक्शन लिखी बैलेंस करी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये चार रिएक्शन दी हैं सबकी एंथैल्पी दी है और यहां पर पूछ रहा है एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू एसओ फोर एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू एसओ फोर निकालना है ये तो यहीं पर है अब देखो एच टू एस ओ फोर अगर हमें बनाना है तो हमें एच टू चाहिए सल्फर चाहिए एंड ट्वाइस ओ टू चाहिए मतलब ये वो रिएक्शन है जो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है अब यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमें चाहिए सल्फर है सल्फर हमें चाहिए ये सल्फर दिया है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हमें चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए हमें वाटर नहीं चाहिए देखो यहां पर वाटर है यहां पर वाटर है कैंसिल कर सकते हैं यहां पर एसओ टू है यहां पर एसो टू है यहां पर एसो थ्री है यहां पर एसो थ्री है हमने कुछ नहीं करा ये चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया है और आपको भी यही करना है चारों इक्वेशन को ऐड करो देखो ये इक्वेशन आ गई एच टू बचा था ये एच टू आ गया सल्फर है ये सल्फर आ गया ऑक्सीजन की हम बात करें तो ओ टू और हाफ और हाफ ओ टू ये भी ओ टू तो ट्वाइस ओ टू बिल्कुल सही तो इन चारों को हमें ऐड ही करना है चलो ऐड कर देते हैं माइनस टू नाइन्टी एट पॉइंट टू माइनस नाइन्टी एट पॉइंट सेवन माइनस वन थ्री जीरो पॉइंट टू और माइनस टू एट्टी सेवन पॉइंट थ्री इन सबको ऐड करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है